दोस्तों अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वैसे तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की टीम पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करती चली आ रही है और इस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। विराट कोहली की टोली सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत में थोड़ी सी छोटी नजर आई। चलिए बताते हैं आपको रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स में कौन है बढ़िया सिक्सर किंग, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 52वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ। बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था। जेसन रॉय के साथ इस मैच में पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा को दी गई थी। कुछ अच्छे शॉट्स लगाने के बाद इस खिलाड़ी ने अपना विकेट गंवा दिया। 13 रन बनाने के बाद गार्टन की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को कैच दे बैठे और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ वही हुआ जिसका सभी को डर था। शुरुआत में विकेट बचाने के बजाय हैदराबाद की टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी खो दिया। कप्तान केन विलियमसन ने पारी को संभालते हुए टीम को पावर प्ले में 50 रन के स्कोर तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शानदार साझेदारी देखी गई। दोनों बल्लेबाज बड़े ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में काफी बेहतर स्थिति में जाती हुई नजर आ रही थी। हालांकि शानदार बल्लेबाजी कर रहे केन विलियमसन को टॉप फॉर्म में चल रहे हर्षल पटेल ने 31 रन के स्कोर पर बोल्ड मारकर वापस भेज दिया। 15 रन की पारी खेलने के बाद प्रियम गर्ग बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में डैन क्रिश्चियन की गेंद पर आउट हो गए। जमकर बल्लेबाजी कर रहे जेसन 38 गेंदों में 44 रन बनाकर क्रिश्चियन को अपना कैच दे बैठे। सामने की तरफ लगाए जोरदार शॉट को उन्होंने लपका और टीम को एक ओवर में दूसरी सफलता दिलाई। अब्दुल समद को चहल ने आउट किया तो वहीं रिद्धिमान साह को हर्षल पटेल ने डिविलियर्स के हाथों 10 रन पर कैच आउट करवा दिया। जेसन होल्डर का भी विकेट पटेल ने ही झटका। शुरुआत बेहतर होने के बावजूद भी हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में एक बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, सिर्फ 141 रन पर ही सिमट गई। अंत में कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सका और यही कारण रहा कि टीम का स्कोर अचानक थम सा गया। बैंगलोर की तरफ से पटेल ने 3 तो क्रिश्चियन ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया। चहल और गार्टर ने 1-1 विकेट हासिल किए। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत विराट कोहली और देवदत्त पणिक्कल ने की थी। विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर चौके के साथ पारी का आगाज किया था जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को बेहद जल्द खत्म करना चाहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने गेंद पर अपनी उंगलियां फेरते हुए गति में परिवर्तन किया और इस गेंद के सामने विराट कोहली पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए थे। गेंद सीधी पैड में जाकर लगी और विराट कोहली के 5 स्कोर पर ही वो LBW आउट हो गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बल्लेबाजी के लिए 3 नंबर पर डेनियल क्रिश्चियन को भेजा था। डेनियल क्रिश्चियन और देवदत्त पणिक्कल ने एक साझेदारी बनाने की कोशिश की और इस बीच पणिक्कल कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगा चुके थे जिसकी वजह से टीम का स्कोर 18 रन हो गया था। लेकिन गेंदबाजी करने आए सिद्धार्थ कौल ने 1 रन के स्कोर पर ही डेनियल क्रिश्चियन को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट कराकर RCB की टीम को दूसरा झटका दे दिया। अब तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सामने 142 रनों के छोटा सा लक्ष्य भी पहाड़ जैसा बन चुका था क्योंकि आरसीबी की तरफ से इस जगह पर साझेदारी होना बेहद जरूरी थी। कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजी के लिए भेजा युवा बल्लेबाज श्रीकर भरत को जिन्होंने शुरुआत में पणिक्कल के साथ क्रीज पर थोड़ा समय जरूर लिया और इसके बाद ये पारी का 6वां ओवर था जो कि सिद्धार्थ कौल डाल रहे थे और उनके इस ओवर में श्रीकर भरत ने कदमों का उपयोग करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा दिया और उसके बाद तो इतना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि उन्होंने कौल की दूसरी ही गेंद पर एक और चौका लगा दिया जिसकी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 6 ओवर में 37 रन बना लिए थे और अब टीम कुछ हद तक दबाव से निकलती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में कप्तान केन विलियमसन ने फिर एक बार गेंदबाजी में तब्दीली करी और अरमान मलिक को बुलाया जिन्होंने श्रीकर भारत को 12 रन के स्कोर पर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी को 3रा झटका दे दिया और अब यह मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था। हालांकि क्रीच पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने छक्के के साथ ही पारी का आगाज किया और 8 ओवर में टीम का स्कोर 47 रन था और 3 विकेट भी हो चुके थे। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पणिक्कल ने धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए एबी डिविलियर्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी और यह मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था। जिस तरह से मुकाबले खेला जा रहा था यह कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। वैसे दोस्तों आपके अनुसार इस रोमांचक मुकाबले में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा, नीचे में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और इस तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।